अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कुक विद अयान। इस YouTube चैनल पर मैं आपके लिए लाता हूँ मजे मजे की रेसिपीज और आपको बनाकर भी दिखाता हूँ, वो भी इंतहाई आसान तरीके के साथ और मुकम्मल तफसीलात और मुकम्मल मसाला जात के साथ। आप हमारे चैनल को जरूर जो है वो ज्वाइन करें, आपको हमारी तमाम लेटेस्ट आने वाली वीडियोज भी मिलेगी और हमारी जो सबका गुजर चुकी है वो वीडियोज भी मिलेंगी। तो आज मैं जो डिश लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है बिरयानी, बम्बई बिरयानी। बम्बई बिरयानी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें काफी सारे मसाले डलते हैं और ये बहुत ही लजीज डिश है। ये हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की डिश है, वहां पे बहुत शौक से खाई जाती है। जैसे हमने पहले बनाई थी सिंधी बिरयानी, वो हमारे सिंध की शुरुआत है, इसी तरीके से ये बम्बई बिरयानी वहाँ बम्बई की शुरुआत है। तो आज मैं इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपनी पूरी कोशिश के साथ कि आसानी से आपको समझा सकूँ। तो इसके लिए जो अज़ार हैं वो आप नोट करें। चावल हमें चाहिए बॉयल आधा किलो। असल रेसिपी में ये सिला चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, आप इसमें सिला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कच्ची भी कर सकते हैं। हमने आज कच्ची ली है, इसको थोड़ा सा आपने सख्त रहने देना। उसके बाद चिकन है हमारे पास आधा किलो, घी है हमारे पास आधी प्याली से थोड़ी सी ज्यादा, हरी मिर्च है हमारे पास 5 अदद कटी हुई, टमाटर है 2 अदद बड़े साइज के कटे हुए, जायफल जवत्री का पाउडर है हमारे पास ये पेस्ट की शक्ल में, ये 1 चाय का चम्मच, जीरा है साबुत हमारे पास 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला है हमारे पास पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर है हमारे पास 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च है हमारे पास 1 खाने का चम्मच, नमक है हसबे जायका, दही है 1 प्याली, उसके बाद ये जर्दा पूतला है हमारे पास, इसको आपने पानी में हल कर लेना है 2 चुटकियां तकरीबन, आधा चाय का चम्मच जो है वो आपने पानी में इसको हल करके रख लेना है। प्याज दरमियानी साइज की 2 अदद चाहिए हमें, आलू बुखारा हमें चाहिए 5 से 6 अदद पीस, धनिया हमें चाहिए आधी कुटी के करीब, उसके सिर्फ आपने पत्ते लेकर उसको बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद लेमन जूस हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच, केवड़ा चाहिए हमें ब्लू केवड़ा ये भी 1 खाने का चम्मच। तो सबसे पहले हम पैन के नीचे आग जलाते हैं और इसमें घी डाल देते हैं। घी डालकर इसमें हम प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखो नाज़रीन, प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं तकरीबन। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, आंच जरा हम स्लो कर देंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ये थोड़ा सा फ्राई होने दें इसको। इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन का कलर चेंज करने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जितना कलर चेंज कर लेगा जब तो थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाएगा, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये चिकन का कलर तब्दील हो गया है, अब हम इसमें ये दही डाल देंगे
दही डालने के बाद इसको हिलाएंगे हम। अब इसमें ये सुर्ख मिर्च का पाउडर हम शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, जीरा इसमें हम शामिल करेंगे। जीरे के बाद इसमें जायफल जावित्री जो थी वो हम शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें हम हसबे जायका नमक शामिल करेंगे। इसको मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए हम दम पर लगाएंगे। जी तो नाज़रीन 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको दोबारा से हिलाकर इसमें ये जो आलू बुखारे के पीस हमारे पास पड़े हुए थे ये हम इसमें डाल देंगे। उसके साथ ये हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम गलाने तक तोड़ने को बिल्कुल तैयार होने तक हम इसको पकाएंगे। जब ये मसाला जो है वो घी को छोड़ देगा और चिकन हमारा जो है वो गल जाएगा उस वक्त तक हम इसको अब दम देकर पकाएंगे। 7 वक्फे-वक्फे से हम इसको चेक भी करते रहेंगे। आंच अब इसकी आप हल्की कर दें। जी नाज़रीन कोरमा हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं कि पानी का खुश्क हो चुका है, मसाले ने घी को छोड़ दिया है। अब हम नीचे से आग इसकी ऑफ कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन है उसकी तरतीब लगाकर अब हम इसमें राइस की जो है वो तह लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें राइस की तह लगाएंगे। इस तरीके से फैलाकर आपने डालने हैं। आग हमने नीचे से स्टॉप कर दी है क्योंकि 4-5 मिनट आप इसको इस प्रोसीजर में आपके लग सकते हैं। बहुत ही तसल्ली के साथ एहतियात के साथ आप इसको कवर करें, फिर ही इसका जो कलर है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा, नहीं तो ये हर चीज़ मिक्स हो जाएगी तो इसका जो कलर है वो बहुत डार्क हो जाएगा राइस का। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो कलर है वो बिल्कुल बेहतरीन आएगा बिरयानी का। ये लगाने के बाद आप इसमें ये 2-3 हरी मिर्चें गार्निश के लिए इसमें आप डाल देंगे। इसके बाद आप धनिया की लेयर लगाएंगे। इसके बाद आप लेमन जूस इसमें डालेंगे, फिर
केवड़ा जो है रू केवड़ा वो आप इसमें छिड़क देंगे। फिर उसके बाद आप दोबारा से एक लेयर और चावलों की लगाएंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद आखिर में हम इसमें ये अपना पूरी तरह जो है वो ऐड करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा आपने तीन जगह पर ये डाल दिया। डालने के बाद इसको आपने ऊपर से कवर कर देना है और बहुत ही हल्की आंच पे आपने इसको दम दे देना है। अब हम इसको दम पे लगा चुके हैं, इसको 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर दम देंगे। उसके बाद फिर आपको हम ये डिश आउट करके दिखाएंगे। जी तो नाज़रीन, राइस हमारे रेडी हैं। अब इसको आप देख सकते हैं कि इसके कवर के ऊपर स्मोक आ चुकी हुई है, तो अब हम इसको डिश आउट करने लगे। जी तो नाज़रीन, आज की बम्बई बिरयानी जो डिश थी हमारी वो हमने आपके सामने तैयार की और अब इसको हमने डिश आउट कर दिया है। आपको इसका कलर तो जरूर नजर आ रहा होगा, जायका इसका हम ही जानते हैं। इंशाल्लाह आप जरूर इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही लजीज इसका जायका है और एक बहुत ही मुनफरिद बिरयानी है ये, इसको आपने जरूर ट्राई करना है। और हमारी काविश जो है वो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप इसको रायते के साथ मसना हो और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।